रहेगा ये क्या होगा कि आर लगेगी, आर लगने से क्या हो जाएगा पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, काम पिस्टन को कार्य करने की शक्ति मिलेगी, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, धुआं बाहर चली जाएगी। तो ये वाल्व जो है ना इनको ऊपर से स्प्रिंग वाल्व जो होता है इसको रोका नाम से दबाते हैं कि नीचे दबेंगे तो खुलेंगे ये वाले वाल्व। तो अगर इसको दिखाता हूं कैसे खुलते हैं, ये अंदर वाटर जैकेट है, पानी आउटलेट होने का, पानी अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनमें से पानी अंदर जा रहा है, इन छिद्रों में पानी अंदर जा रहा है, रेडिएटर का नीचे से खींच के वाटर पंप दे रहा है, लेकिन जो आउटलेट होता है वो इनमें होता है। इनसे होकर क्या जाता है तुम्हारा मेन ऊपर वाले भाग में आके क्या होता है ऊपर गिरता है, तो वाटर फ्लो जो रेडिएटर पे करता है वो ऊपर से नीचे की ओर करता है। इसके बाद देखते हैं वाल्व सीट है, ये वाल्व खुल रहा है, इस वाल्व को दोबारा कैसे लिए, ये वाल्व खुल रहा है, पहले वाला वाल्व बंद है, साइड वाला ये वाला वाल्व बंद है, ये खुल रहा है, तो ये खुलता कैसे, जैसे ही स्प्रिंग वाल्व दबेगा कैसे खुलता है। अब इसके सारे सारे क्या हो जाता है, तेल वगैरह अंदर आना हो तो आ जाएगा, या धुआं वगैरह बाहर निकलनी हो तो निकल जाएगी, समझ रहे हो कैसे वाल्व खुलता है। साइड में इस पार्ट पर कस रहे हैं, ये वाला जो चूड़िया कट रही है इस पार्ट पर कसा जाएगा यहाँ पे, और ये जो है ये तुम्हारा एग्जॉस्ट इनलेट मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के वाल्व में वाल्व अंदर रखते हैं, मैनिफोल्ड बाहर दिखते हैं। उसके बाद ये वाटर जैकेट है जिधर पानी वाली जाता है, इसके बाहर के ये जो छिद्र ये वाटर जैकेट के बाहर बाहर अंदर कोई पानी का लेने देने नहीं है। यदि पानी इंजन में चला जाएगा तो क्या बोलते काम नहीं करेगा तुम्हारा। गास्केट लगाते हैं, वो क्या करते हैं पानी जो होता है वो सिलेंडर है जहाँ पिस्टन पिस्टन चलते हैं वहाँ पे मूवमेंट करते हैं, पानी भी वहीं तक जाता है, कई बार उसको सील किया जाता है पानी को कि वो नीचे क्रैंक केस में ना जाए। और कई बार तुमने सुना होगा गाड़ी का गैस खराब फट गया, इंजन खराब हो गया, तो वो पानी जो है वाटर जैकेट से निकल के नीचे क्रैंक केस में जाने लग जाता है, किस में जाने लगता है क्रैंक केस में, और क्रैंक केस से जब वापस आया तो रेडिएटर का पानी चिकना हो जाएगा, तुम्हारा इंजन आयल आने लग जाएगा रेडिएटर के अंदर, तो इसका मतलब गाड़ी का गैस फट चुका है, गास्केट बोलते हैं उसको। इसके बाद देखो ये वाल्व दिखा रखा है, स्पार्क प्लग का बताया जा रहा है, स्पार्क प्लग होल लिख भी रखा है, स्पार्क प्लग होल यहाँ पे स्पार्क प्लग होल को कसा जाएगा, इनलेट मेन बोर्ड एग्जॉस्ट मेन बोर्ड स्पार्क प्लग तीन चीज, और यदि मान लो डीजल इंजन होता था पेट तो यहाँ पे लगता था फ्यूल इंजेक्शन। बातें समझ में आ रही है यानी जो नए कैसे पुराने समझ में आ रहा होगा। मल्टी वाल्व सिलेंडर है यानी एक से ज्यादा वाल्व, जैसे पैन क्या होता है दो ही वाल्व लगे होते हैं।